हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज आपके सामने लिखा हुआ है इसके जो फॉर्मुले वगैरह है वो मैं इससे पहले लेक्चर में आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। बेसल फंक्शंस का जो लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने आपको इसके फॉर्मुले वगैरह बता दिए थे, तो आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं देख लेना, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, आपको शो करके दिखाना है कि PN1 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए हैं आपको याद होगा, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि एक फॉर्मूला लिखाया था आपको सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा एन इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी एच टू दी पावर एन पी एन एक्स। ये किसके इक्वल होता है बच्चे हमारे टर्म 1 माइनस 2 एक्स एच प्लस एच स्क्वायर की होल पावर माइनस के 1/2। ये फॉर्मूला था। इसमें क्या करना है हमें, देखो आपको क्या गिवन है 1, इसका मतलब हमें यहाँ पे x के प्लेस पे क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो आप क्या कर दोगे, दोनों साइड x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, 1। ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्या कर दोगे आप, x के प्लेस पे 1 पुट कर दोगे। तो यहां से टर्म देखना कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी एस टू दी पावर एन पी एन 1 इज इक्वल्स टू, इस टर्म में मुझे जब आप x के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो 1 माइनस यहां से कितना आ जाएगा 2h प्लस एच स्क्वायर की होल पावर माइनस 1/2। और सोल्व करो, सिग्मा एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एच टू दी पावर एन पी एन 1 इज इक्वल्स टू, ये किसका फॉर्मूला बन गया अगर आप देखो, a का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं प्लस b का स्क्वायर एंड माइनस के 2ab, यानी कि किसका फॉर्मूला बन रहा है a माइनस b के होल स्क्वायर का, और पावर कितनी है माइनस के 1/2। तो 2 से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट। तो सिग्मा एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एस टू दी पावर एन पी एन 1 इज इक्वल्स टू, ये किसकी इक्वल आएगी बच्चा, टर्म 1 माइनस एच की पावर माइनस 1 की इक्वल। तो अगर आपको याद हो मैंने आपको सीरीज खुलवा रखी है, कई सारी सीरीज ओपन करवा रखी थी, तो उसमें से मैंने आपको बताई थी कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 की अगर हमें सीरीज ओपन करनी हो तो ये किसकी इक्वल होती थी, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इस टाइप से आपकी सीरीज ओपन होती थी, ठीक है। और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी इसमें आपकी, एस टू दी पावर सॉरी एक्स की पावर एन, सीरीज याद होंगी। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ क्या है, एच है किसके प्लेस पे, एक्स के प्लेस पे क्या दे दिया, एच दे दिया, बट सीरीज तो वही ओपन होगी, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 प्लस एच प्लस एच स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर एन, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। और इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सिग्मा एन इज इक्वल्स टू इंफिनिटी एन इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी एच टू दी पावर एन पी एन 1 इज इक्वल्स टू, एक बात बताइए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो h की टर्म्स चलती जा रही है वो कहां तक जा रही है, n टर्म तक जा रही है। तो h की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1 प्लस h, इसका मतलब यहाँ पे h की पावर कितनी होगी, 0 होगी। फिर यहाँ पे कितनी थी, 1 थी। फिर यहाँ पे 2 3 कहां तक गई, ये n तक गई। इसका मतलब इसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चा, सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और एच टू दी पावर एन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो कैसे ये सीरीज हो गई, किसकी, एच की पावर एन की। जब आप एन इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो h की पावर 0, और हमें पता है किसी भी टर्म की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो क्या आ गई पहली टर्म, जब हमने n = 1 पुट किया तो h की पावर 1 आ गई, 2 पुट करोगे तो ये टर्म, 3 पुट करोगे ये टर्म, n पुट करोगे तो ये टर्म, इंफिनिटी पुट करोगे तो लास्ट वाली टर्म आ जाएगी। तो इसलिए इसको हमने समेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब यहां से अगर आप देखोगे इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो गई कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, सो इंप्लाइज दैट इधर से कितना बचा, pn 1 किसके इक्वल आ गया, 1 के। और इस चीज को ऐसे कैंसिल करके मत दिखाना, नीचे लाइन में इंप्लाइज को साइन करके या आप डायरेक्टली दिखा दोगे पीएन 1 किसके इक्वल आ गया, 1 के, क्योंकि इसको क्या कर देंगे हम, इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करना था, हमें प्रूफ करना था इस वाले एग्जाम्पल में। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नोट करिएगा। सो इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट है इसी में फर्स्ट एग्जाम्पल का सेकेंड वाला पार्ट,
क्या है आपको शो करके दिखाना है ये टर्म किसके इक्वल होती है इसके, और हैंस डिड्यूस दैट, और आपको क्या शो करके दिखाना है कि ये टर्म किसके इक्वल आएगी इसके। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, इसी वाले फॉर्मूले का यूज करके क्या करेंगे हम इस टर्म को प्रूफ करेंगे, क्योंकि हमें टर्म क्या मिल गया पी एन एक्स वाली फॉर्म में। ठीक है, तो इसको लेट कर लेंगे हम क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करने पे देखो एक बार क्या मिल रहा है हमें माइनस एक्स मिल रहा है, एक बार हमें माइनस वन की पावर एन मिल रही है। तो हम क्या करेंगे एक बार तो एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे माइनस एक्स से, और एक बार एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे माइनस एक्स से। तो लिखो ऑन रिप्लेसिंग एक्स बाय माइनस एच, एक्स को जब आप माइनस एच से रिप्लेस करोगे तो आपके पास में टर्म क्या आ गई सिग्मा एन इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी एच टू दी पावर एन पी एन, यहां से कितनी आ जाएगी टर्म आपके पास में माइनस एच आ जाएगी इज इक्वल्स टू, यहां से टर्म क्या आ गई वन माइनस, जब आप एच के प्लेस पे माइनस एच पुट कर दोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा प्लस हो जाएगा, एंड प्लस यहाँ पे माइनस एच पुट सॉरी ये तो एच स्क्वायर ही रहेगा। एक सेकेंड रुकेगा जरा, अच्छा अच्छा ठीक है एक सेकेंड बच्चा, एक छोटी सी मिस्टेक क्या हुई यहाँ पे, आप किसको रिप्लेस करोगे एच को रिप्लेस कर दोगे किससे माइनस एच से, एक्स नहीं एच को रिप्लेस कर दोगे किससे माइनस एच से। तो यहाँ देखो जब आप एच की पावर एन है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे माइनस एच की पावर एन की फॉर्म में, क्यों एच के प्लेस पे क्या पुट कर दिया हमने एन पुट कर दिया। ठीक है, सो माइनस एच की पावर एन पी एन एक्स एज इट इज इक्वल्स टू वन माइनस, यहाँ पर एच के प्लेस पे जब आप माइनस एच पुट करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस के हो जाएगा, तो प्लस के टू एक्स एच, और यहाँ पे एच के प्लेस पे माइनस एच पुट करोगे तो माइनस एच का स्क्वायर करोगे तो फिर से कितना हो जाएगा एच स्क्वायर ही आ जाएगा, और पावर कितनी आ गई माइनस के वन बाय टू। ठीक है, अब ये चीज सही है। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस एच की पावर एन है तो इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं सिग्मा एन इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, हम इसको माइनस वन की पावर एन बाहर ले सकते नहीं ले सकते, और टर्म आ जाएगी एच की पावर एन पी एन एक्स। तो हमने एच को माइनस एच से रिप्लेस क्यों किया ये माइनस वन की पावर एन वाली टर्म लाने के लिए, इज इक्वल्स टू वन प्लस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर की पावर माइनस वन बाय टू, ये आ गई हमारे पास में क्या इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करोगे इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस कर दोगे एक्स को किससे माइनस एक्स से, ऑन रिप्लेसिंग एक्स बाय माइनस एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, तो रिप्लेस कर दीजिए सिग्मा एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एच की पावर एन पी एन एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स पुट कर दो इज इक्वल्स टू वन माइनस, यहाँ पे जब आप एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स पुट करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा प्लस के टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर की पावर माइनस वन बाय टू, ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप इक्वेशन सेकंड और थर्ड को देखिए, दोनों ये वाली जो राइट हैंड साइड में टर्म है दोनों कैसी है सेम है, ये सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म भी क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी। तो क्या लिखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो इन दोनों इक्वेशन से देखिए ये दोनों टर्म आपस में सेम होंगी, तो हम लिख सकते हैं क्या सिग्मा एन इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी एच टू दी पावर एन पी एन माइनस एक्स, किसकी इक्वल आएगी इस वाले टर्म के माइनस वन टू दी पावर एन सिग्मा एन इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी एच टू दी पावर एन पी एन एक्स के। ठीक है, अब मैं कैंसिल कर रही हूँ आपको नहीं करना, देखो इस वाले टर्म से तो ये वाली टर्म हो गई आपकी कैंसिल आउट, तो आपके पास में क्या टर्म आ गई पी एन माइनस एक्स किसकी इक्वल माइनस वन की पावर एन पी एन एक्स के इक्वल, यही क्या करना था हमें क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, तो एक पार्ट तो हमारा यहाँ प्रूफ हो गया। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर फोर मान लें तो इक्वेशन फोर में आप एक्स को रिप्लेस कर दो किससे वन से, या एक्स की वैल्यू पुट कर दो वन, तो क्या लिखोगे इन इक्वेशन ऑन पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू वन इन इक्वेशन फोर्थ, एक्स के प्लेस पे वन पुट करो तो टर्म क्या आ जाएगी पी एन माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस वन की पावर एन, यहाँ पे वन पुट करोगे तो आपके पास में टर्म क्या आएगी पी एन वन, और जो भी हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था उससे हमें क्या पता चला था पी एन वन की वैल्यू कितनी आई थी बच्चा वन आई थी,
तो यहां से हमारे पास में टर्म क्या आ जाएगी, पी एन माइनस वन किसके इक्वल आएगा, माइनस वन टू दी पावर एन के इक्वल। और यही क्या करना था हमें, डिडक्शन में प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, तो इसी के साथ में ये वाला एग्जाम्पल भी आपको कंप्लीट होता है, नोट करो। सो देखिएगा, इसी के बाद में एग्जाम्पल वन, सॉरी एग्जाम्पल टू है ये आपका, कि प्रूफ दैट दिस टर्म यानी पी एन एक्स इज एन इवन और ऑड फंक्शन ऑफ एक्स अकॉर्डिंग एज एन इज इवन और ऑड। यानी कि यदि हम किसके अकॉर्डिंग देखें, एन के अकॉर्डिंग देखें, कि यदि एन इवन है या फिर ऑड है, तो उस कंडीशन में जो फंक्शन है किसका, एक्स का, कौन सा, पी एन एक्स, ये भी क्या होगा, इवन या ऑड होगा, ये हमें क्या करना है इसमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो अभी हमने जो सेकेंड आपका जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट था, उसके थ्रू हमने क्या देखा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बच्चे, अभी हमने ये टर्म फाइंड आउट की थी कि पी एन माइनस एक्स किसके इक्वल आया था, ये माइनस वन टू दी पावर एन पी एन एक्स के इक्वल आई थी टर्म। ठीक है, अगर हम क्या ले रहे हैं फर्स्ट कंडीशन की, इफ एन इज इवन, यानी कि यदि एन क्या हो, इवन हो, तो देन उस कंडीशन में अगर आप देखो एन इवन है, यानी कि वन नंबर कौन कौन से हो गए आपके, टू फोर सिक्स, तो अगर हम माइनस वन की पावर टू करें, फोर करें, सिक्स करें या एट करें, तो ये कैसा होगा, एक मतलब पॉजिटिव फॉर्म में आएगा, प्लस के आएगा वन। तो इस कंडीशन में अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें, सो जो टर्म है पी एन माइनस एक्स, ये किसकी इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू तो कितनी होगी, प्लस के वन हो गई, तो ये टर्म आ गई पी एन एक्स। इसका मतलब क्या बच्चा, अगर हमने किसी भी फंक्शन में x के प्लेस में माइनस एक्स पुट किया, माइनस एक्स पुट करने पे भी फंक्शन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, यानी कि कोई फंक्शन है पी एन एक्स, ठीक है, ये एक फंक्शन था, इसमें हमने क्या कर लिया, x के प्लेस में माइनस एक्स पुट कर दिया, और माइनस एक्स पुट करने पे भी हमें फंक्शन यही वाला मिल रहा है, तो इस कंडीशन में ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, हम इवन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो लिखोगे हैंस इफ n is even, then the function, कौन से वाले फंक्शन की बात करें बच्चे, हम इस वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं, पी एन एक्स इज इवन। अभी आपको बताया क्या, कि कोई फंक्शन हम ये नहीं ले रहे, हमने लिया कि फंक्शन पी एन एक्स है, हमने x के प्लेस में माइनस एक्स पुट कर दिया, पुट करने पे भी हमें टर्म यही मिल रही है, तो इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन था ये कैसा है, इवन है। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करनी थी कि अगर ये कैसा है, इवन होगा, किस कंडीशन में, यदि एन कैसा होगा, इवन होगा। अब सेकंड कंडीशन क्या है, कि यदि हम एन को क्या ले लें, ऑड ले लें, इफ एन इज ऑड, सो देन इस कंडीशन में क्या होगा बच्चा, माइनस वन की पावर एन किसके इक्वल आएगी, माइनस वन के, क्योंकि ऑड नंबर लोगे आप वन थ्री फाइव, माइनस वन की पावर वन करोगे तो माइनस वन, थ्री करोगे तो भी माइनस वन, फाइव करोगे तो भी माइनस वन, इसका मतलब टर्म आ गई माइनस वन। सो माइनस वन को जब आप यहां पुट करोगे तो पी एन माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन टू दी पावर एन के प्लेस में माइनस पुट कर दोगे, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, माइनस के पी एन एक्स के। यानी कि अगर हमने पी एन एक्स जो फंक्शन था उसमें एक्स के प्लेस में माइनस एक्स पुट किया तो माइनस के पी एन एक्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है पी एन एक्स वो कैसा है, ऑड है, कब, यदि एन कैसा है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, हैंस इफ n is odd, then the function pnx is odd। तो ये जो फंक्शन है ये भी क्या होगा, ऑड होगा, और यही क्या करना था हमें इस क्वेश्चन में, प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, तो इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं, वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, वो वीडियोस काफी लेंथी होंगी, तो एक लेक्चर में आपके एग्जांपल्स कवर कर लेंगे, उसके बाद में फिर दो तीन इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो, फिर इसमें रिकरेंस फॉर्मूले हैं जिनका प्रूफ आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एंड देन इसमें एक एक्सरसाइज है। तो आप मान के चलिएगा इस वाले वीक में आपका ये वाला जो चैप्टर है लिगेंडेज फंक्शंस, ये कंप्लीट हो जाएगा। एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट है, एक चैप्टर में आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, दो चैप्टर इसमें आपको
नहीं करने बुक में, और 3 से 4 चैप्टर बचेंगे तो हमारा सिलेबस इजिली कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगी, सो टेंशन मत लीजिए, अच्छे से पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना अगर आप चैनल पर नहीं हो, या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।